आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिनकी उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बॉलीवुड में उतने ज्यादा सक्रिय नहीं है जितना कि बाकी सितारे। अगर धर्मेंद्र की बात की जाए तो हाल में ही धर्मेंद्र ने फिल्म में काम किया, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनका जो सीन है वो देखा क्या। अमिताभ बच्चन भी 81 साल से ज्यादा के हो चुके हैं लेकिन वो भी फिल्मों में सक्रिय हैं, साथ ही कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो को होस्ट करते हैं। अनिल कपूर की भी एज ज्यादा हो चुकी है लेकिन आज भी वो फिल्मों में सक्रिय है। इसी बीच में एक ऐसा सितारा जो कि फिल्मों में ज्यादा नजर नहीं आता, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गोविंदा की। गोविंदा एक वक्त ऐसा था जब एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे लेकिन काफी लंबे अरसे से गोविंदा को देखा नहीं गया है, फिल्मों में ज्यादा काम नहीं करते और काम को लेकर उनकी जो जिस तरीके से बाकी बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज काम कर रहे हैं या फिर रियलिटी शोज में उन्हें देखा जाता है प्रमोशन करते हुए, उस तरीके से गोविंदा नजर नहीं आते। हालांकि कई रियलिटी शोज में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस जरूर दी है लेकिन इसके बावजूद भी गोविंदा का आखिर घर कैसे चल रहा है और आप गोविंदा की संपत्ति कितनी है चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी 60 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को महाराष्ट्र के मुंबई में पूर्व एक्टर अरुण और सिंगर एक्ट्रेस निर्मला देवी के घर पर हुआ था। उनके पिता भी एक्टर थे। करीब 15 साल तक उनकी एक्टिंग का करियर रहा। वो इस दौरान उन्होंने 30 फिल्में हीरो के तौर पर की। गोविंदा आज भले ही बॉलीवुड में ज्यादा सक्रिय ना हो लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए कमाते हैं और हर महीने खर्च करते हैं। ऐसे में गोविंदा की इस तरीके की खर्च को देखने के बाद लोग हैरान हैं कि आखिर गोविंदा इतना सब कुछ लाते कहां से हैं। गोविंदा ने साल 1986 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उनकी पहली फिल्म इल्जाम रिलीज हुई थी जो कि हिट साबित हुई। इसके बाद इसी साल उनकी एक और हिट फिल्म लव 86 भी रिलीज हुई। इसके बाद तो गोविंदा ने कई फिल्में की और हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। गोविंदा के नाम खुदगर्ज, घर घर की कहानी, जंगबाज, आवारगी, स्वर्ग, शोला और शबनम, राजा बाबू, कुली नंबर वन, आंटी नंबर वन, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर वन, हसीना मान जाएगी, दीवाना मस्ताना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और पार्टनर जैसी फिल्में शामिल हैं। अपने करियर के दौरान गोविंदा ने बहुत नाम कमाया। वो टॉप एक्टर्स के लिस्ट में शामिल होते थे जिसकी फीस सबसे ज्यादा हुआ करती थी। तो वहीं अगर गोविंदा के नेटवर्थ के बारे में बताएं तो वो अच्छे खासे कमाई करते हैं लेकिन पिछले कुछ सालों से गोविंदा बड़े पर्दे से दूर हैं। लेकिन आज भी उनकी कमाई में कोई बदलाव नहीं आया। अगर एक्टर की नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 मिलियन यानी कि 135 करोड़ रुपए उनकी कुल संपत्ति आकी गई है। खबरों के माने तो गोविंदा एक फिल्म के 5 से 6 करोड़ रुपए फीस लिया करते थे, तो वहीं ब्रांड एम्बेसडर के लिए एक्टर 2 करोड़ रुपए की फीस चार्ज लिया करते थे। गोविंदा इसी साल की अगर बात करें तो कई रियलिटी शोज में बीते दिन आ चुके हैं जहां साल 2023 में उन्हें गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर देखा गया। आपको बताते चले कि गोविंदा फिलहाल किसी भी एडवर्टीजमेंट में नजर नहीं आ रहे, फिल्मों में भी उन्होंने दूरी बना ली है। गोविंदा के घर की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और इसके आसपास एक्टर के 3 बंगले हैं। गोविंदा अपने परिवार के साथ जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए की उसी समय आकी गई थी। इसके अलावा उनके 2 बंगले और हैं जिसमें से एक जुहू और दूसरा मड आइलैंड में है। इसके पास कई रियल एस्टेट कंपनियां भी हैं जिसकी वजह से गोविंदा सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। इन्हीं बंगलोज की वजह से गोविंदा की कमाई आती है। वहीं अगर कार कलेक्शन की बात करें तो गोविंदा महंगी गाड़ियों के भी शौकीन हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो गोविंदा की पर्सनल लाइफ
उनकी पत्नी सुनीता मंजुल के बिना काफी अधूरी है। उन्होंने 11 मार्च 1987 में सुनीता से शादी कर ली थी, लेकिन 4 साल तक उनकी ये शादी सीक्रेट रही थी। दोनों के 2 बच्चे टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन है। खास बात यह है कि शादी को लेकर दोनों में कभी भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं सामने आई है, जो कि अपने आप में ही काफी हैरानी की बात है। गोविंदा ने शेयर मार्केट के अलावा कई और बिजनेस में पैसा लगाया है, जिसकी वजह से फिल्मों से दूर होने की कारण भी गोविंदा आज भी फिल्मों की तरह ही पैसा कमा रहे हैं। हालांकि उनके फैंस चाहते हैं कि एक बार फिर से गोविंदा पर्दे पर वापसी करें, और जैसे तमाम सितारे आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं, गोविंदा भी उसी तरीके से सक्रिय रहे। गोविंदा की बात करें तो उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा रवीना टंडन के साथ जमी, जहां रवीना के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। खैर, ये तो रही प्रॉपर्टी की बात, लेकिन फिल्मों से दूर होने की कारण भी जहां गोविंदा चर्चाओं में नहीं आ रहे थे, तो वही साल 2023 यानी कि बीते साल ही गोविंदा पर एक बड़ा मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद गोविंदा काफी सुर्खियों में आ गए थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गोविंदा के नाम 1,000 करोड़ रुपए के पंजी स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है, जिसकी वजह से द ओडिशा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उनसे जल्द ही पूछताछ करने वाली थी। इस पूरे मामले में मैनेजर का बयान भी सामने आया था। रिपोर्ट की माने तो 1,000 करोड़ रुपए के पंजी स्कैम में गोविंदा का नाम आने के बाद उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था और स्कैम के लिए एक्टर से होने वाली संभावित पूछताछ को निराधार भी बताया था। मैनेजर का कहना था कि यह बातें आधी अधूरी सामने आई हैं, जबकि इन तमाम आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। गोविंदा के मैनेजर ने ये बयान दिया कि आर्थिक अपराध शाखा की पूछताछ की खबरें अगले दिन आई। अधिकारियों का कहना है कि गोविंदा सोलार टेक्नोलॉजी और अलायंसेस नामक कंपनी की प्रोफेशनल वीडियो का हिस्सा है, जिसे 1,000 करोड़ रुपए के पंजी घोटाले में दोषी माना गया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब गोविंदा इस तरीके के विवाद में फंसे हों। इससे पहले भी गोविंदा के नाम एक बड़ा विवाद शामिल हुआ था। नू हिंसा के वक्त भी गोविंदा का नाम सामने आया था, जहां पर नू हिंसा पर उनके एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया था, जिसके बाद एक्टर ने इसे क्लियर किया कि उनका अकाउंट तो हैक हो गया है। ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद गोविंदा ने एक वीडियो जारी करके बोला था कि ये ट्वीट उनके द्वारा किया गया नहीं है। वेल, बात करें गोविंदा की तो 90s में अपनी फिल्मों का जलवा दिखा चुके गोविंदा अब फिल्मों से भले ही दूर हों, लेकिन फिर भी चर्चाओं में रहने का मौका नहीं छोड़ते हैं।